सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। जानिए चंद्रमा कब निकलेगा, मुहूर्त जान लीजिए बप्पा का, ऐसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। चांद को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 21 सितंबर आज महिलाएं व्रत रख रही हैं। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, इनकी कृपा से जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि अश्विन महीने की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वालों पर कभी विघ्न नहीं आता। संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत पूरा होता है। ऐसे में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी में चांद कब निकलेगा इसे जानिए। पूजा का मुहूर्त नोट कर लीजिए, 20 सितंबर को ये मुहूर्त लग चुका था, तो 21 तारीख को आज शाम 6:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। गणपति जी की पूजा का समय 6:19 से रात 7:45 बजे तक है, यानी कि चांद निकलने के बाद भी आप पूजा कर सकती हैं। धैर्य से पूजा करिएगा। चांद निकलने का समय जो है वो रात 8:29 होगा। अलग अलग शहरों में थोड़ा सा मिनट में अंतर हो सकता है, कहीं पर 8:32 निकलेगा, कहीं तो 8:35 पर। फिलहाल अभी आपके शहर के हिसाब से आपको टाइम बता देंगे। संकष्टी चतुर्थी में पूजा बहुत आसान होती है। ध्यान रहे कि ओम दुर्मुखाय नमः मंत्र का 108 बार आप चाहे तो जाप कर लीजिएगा। और धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आज संकष्टी चतुर्थी पर अष्ट लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करिएगा। मान्यता है कि इससे गणपति जी का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी घर में निवास करती हैं। तो आज शाम को गणपति जी को आंख का फूल भी अर्पित करिएगा, इससे तमाम बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तो कहां पर कितने बजे चांद निकलेगा, आइए फटाफट से आपको बता देते हैं। कानपुर में 8:32 पर चांद निकलेगा, नई दिल्ली में 8:35 पर, जम्मू में 8:38 पर, पुणे में 8:40 पर, सूरत में 8:42 पर, अहमदाबाद में 8:39, हैदराबाद में 8:39, कोलकाता में 8:37, मेरठ में 8:32, चेन्नई में 8:38, चंडीगढ़ में 8:28 और राजस्थान में 8:29 पर चांद निकलेगा। तो सकट चौथ व्रत उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश और राजस्थान वगैरह तमाम जगहों पे मनाया जाता है, तो महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं। इस वजह से चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करिएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।